अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी ले आए हैं, आलू डोनल्ड्स। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, तो चलिए इसे बनाने शुरू करते हैं। लेकिन बनने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप प्लीज़ मेरे चैनल कुबरा फूड डेन व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियाँ काट देंगे। हम धनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, ये हमने काट दिए हैं। और अब हम पुदीना काटेंगे, और अब हम प्याज काट देंगे। हमने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। अब हम हरी मिर्चें काट देंगे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। हमने आलू को बॉयल कर दिया था, अब हम इनके छिलके उतारेंगे। इस तरह करके हम इनके छिलके उतार देंगे, और ये सारे हमने साफ़ कर दिए हैं। अब हम इनको कद्दूकश कर देंगे। इस तरह करके हम इन सारे आलू को कद्दूकश कर देंगे। इसको बनाने के लिए हमें ये सारे मसाले चाहिए जो आप देख सकते हैं। इन सारे मसालों के नाम हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम कद्दूकश किए हुए आलू में थोड़ी सी ब्रेड डाल देंगे और थोड़ी सी बचा देंगे जो हमें बीच में काम आएगी। अब हम इसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे। हम इसमें चीज़ डाल देंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। और 2 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटे हुए धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डाल देंगे जो हमने काट दी थी। अब हम इसमें पुदीना डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी आप इसमें डालें या ना डालें। अब हम इसमें हरे धनिया डाल देंगे। और प्याज, इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हम सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 1 अंडा डाल देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब सबसे पहले हम हाथों पर ऑयल लगा देंगे ताकि हाथों में ना चिपके। अब हम डोनट्स बनाएंगे। हम छोटा सा पेड़ा ले लेंगे। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह सेट कर देंगे। हमने एक इस तरह का ढक्कन लिया है, इसके दरमियान में हम इसको रख देंगे और इसको गोल शेप दे देंगे। इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह। इस तरह करके हमें सारे डोनट्स बना देने हैं। ये सारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे 15 मिनट के लिए, और ये 15 मिनट बाद ये कितने ही टाइट बने आप देख सकते हैं। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि ये टूटेंगे नहीं। अब सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर देंगे। अब हमने मैकडोनल्ड को सबसे पहले अंडे में डिप कर देंगे और इसके ऊपर गरम ब्रेड लगा देंगे। अच्छी तरह हम इसके ऊपर ब्रेड लगा देंगे और इसको ऑयल में डाल देंगे।
इस तरह करके हमने इसमें सारे डोनट्स डाल दिए हैं। ये एक साइड से पक चुके हैं तो अब हम इनको पलट देंगे। इनको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। और ये रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। इस तरह करके हम इन्हें निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।